ये लीजिए, धन्यवाद। ये सब आपने बनाया? जी हाँ, मेरा नाम पुरेश चित्रकार, और ये बापी है, मेरा पोता। हेलो। स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं ना, इसलिए ये मेरे साथ ही आया है। मैं ये वाला लूँगी। अरे वाह, इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, मछलियों की शादी के बारे में। चलो चलो, बहुत सामान बांधो और निकलो यहाँ से। भाऊजी, आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, यहाँ पर देखिए अलाउड नहीं। भाई साहब, दिवाली का वक्त है, आप। मैडम, इनके दिवाली के चक्कर में हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए भाऊजी, 5 मिनट में सामान बांधिए और निकलिए, ठीक है? सॉरी। चलिए चलिए आप लोग। चलो बेटा, कहीं और चलते हैं। हम लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं, पर लगता है कि अब इस शहर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। या ये लीजिए आप, पूरे रख लेना। उतना ही लेंगे जितना बनता है। नमस्कार। मैम, आप चाय लेंगे? नो थैंक्स। मैम, मैं क्या सोच रहा था कि अगले हफ्ते दिवाली है मैम, ये जो जगह है मैम, इसकी साफ सफाई करते हैं ना मैम, डेकोरेशन लाइट वगैरह डालते हैं, एकदम चकाचक हो जाएगा मैम ये। डेकोरेशन? यस मैम। यहाँ पे? ये यस मैम। चकाचक, चकाचक। जागी जागी रोशनी दिल में कहीं जो थी छुपी, जागी उम्मीदें नहीं बन के दिया जलने लगी। जागी जागी एक रोशनी दिल में कहीं जो थी छुपी, उम्मीद अब कोई हारे नहीं बन के दिया जलने लगी। किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो, किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो, दिल में जगह बना लो, अपनी दुनिया में बसा लो। क्या कर दिया आपने? थोड़ी सी जगह बना दी बस। किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो, दिल में जगह। इस दिवाली के अवसर पर हम 15 बड़े शहरों में देश के कारीगरों के लिए HP वर्ल्ड स्टोर्स में थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। अपने करीबी HP वर्ल्ड स्टोर पे आइए और परेश चित्रकार जैसे कारीगरों की कला के लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाइए। निकले जो तुम आज घर से, फरमाइशों की फेरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट 1000, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी, ले ले। इस चकाचौंध, इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए, ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे, तुम जिद करके बार बार दो दिए ज्यादा लिया करते थे। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहन दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़, खुश रह, खुश रह, ये ले।
ये ले, ये दो रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिकर मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ, और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ। अरसे बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दियों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अब एक भी दिए ना बच्चे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली। बलबीर पुत्र, इस बार भी घर नहीं आना तू। ऐतकी भी दिवाली ते मुंह नहीं मिठा करना। कोई गल नहीं बेबे, जद घर आवांगा तां मुंह मिठा कर लांगा। दिवाली में पूरा इंडिया अपने घर जा रहा है, पर बलबीर नहीं। गुड्डू और पीहू को पटाखे तो मिल गए, पर हाथ पकड़ने के लिए इस बार पापा नहीं हुए। शादी के बाद की पहली दिवाली स्निग्धा को दूसरे साल मनानी होगी, और दिवाली की फैमिली फोटो में मिस्टर भट्टाचार्य इस बार भी मिस हो रहे हैं। दिवाली में पूरा इंडिया घर जा रहा है, पर ये नहीं, क्योंकि ये हमें घर पहुंचा रहे हैं। दिवाली तो इनकी भी है, पर कभी कभी हम ये बात भूल जाते हैं। हैप्पी दिवाली अंकल। हैप्पी दिवाली पुत्र। हैप्पी दिवाली। चलो इस बार उनको थैंक यू कहें जो अपनी दिवाली मिस कर देते हैं, ताकि हम दिवाली अपनों के साथ मना सकें। मुस्कुराहट का दिया यूं जला, मुझको लगा तेरे घर की रोशनी है मेरे घर की रोशनी। जगमगाती एक नदी आंख में बहने लगी, होठ ने मेरे चखी यादों वाली चाशनी। आइए इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
दिवाली के सफर के लिए। अरे यार मीनू दिखाई नहीं दे रहा, क्या सो रहा हूं? निकलो उसका नाटक। रोहन अभी किया था उसने। हाँ तो क्या हो गया, फिर से कर देगी? छोटा सा ही तो काम है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत काम है। क्या काम है? दिवाली की सफाइयाँ कौन करेगा? मीनू आएगी तो अभी कर देगी। बेटा दिवाली में सबकी छुट्टी होती है। नहीं माँ मैं नहीं कर रहा, ये मेरा काम नहीं है। फिर दिवाली पर कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये क्या बात होती है यार। अभी देखो वहाँ कितना गंदा है, देखो। बस हो गया, इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं है। मीनू होती तो सही से करती। हाँ तो अपनी मीनू से ही करवा लेना। मीनू जरा पंखा साफ कर दो। हाँ आई। ये मीनू तो छुट्टी पे थी। अगर मीनू की छुट्टी ना होती तो कैसे पता चलता कि वो कितना काम करती है? माँ वो हैप्पी दिवाली। दीदी मैं जा रही हूँ। रुको मीनू। माँ ये मैं दे दूँ? हाँ दे दो। और सुनो ये भी देना साथ में। ठीक है। हैप्पी दिवाली मीनू दीदी। थैंक यू भैया। हैप्पी दिवाली। क्या माँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सारे कपड़े मैले हो गए। ये मैल तो धुल जाएगा, पर तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया ना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अहमियत पहचानो। इस दिवाली सारे मैल धोड़ा लो घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश। हाँ तेज चलाओ भाई। पुलिस? मेरे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए होंगे पापा, आप पुलिस वालों से इतना डरते क्यों? सर जी वो तिवारी जी का घर यही है। बताइए। नहीं नहीं वो इंटरनेट पे ऐड दिया था ना आपने, पुराना फ्रिज और एसी। अरे हाँ हाँ मुझसे ही बात हुई थी आपकी। दिवाली पर नया ले रहे हैं इसलिए पुराना निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं सर जी हम तो खरीदने आए हैं, बगल के थाने में ही तबादला हुआ मेरा। पर देखिए रेट तो। हाँ रेट चलेगा और फोटो भी देख ली। पुलिस वाला है पता नहीं। पापा अभी क्या? ये एडवांस रख लीजिए, मैं छोटी दिवाली के दिन आकर बाकी पैसे दे जाऊंगा और फिर ले जाऊंगा। थैंक यू। और प्लीज किसी को दीजिएगा मत प्लीज। सर जी नमस्कार, ये आपके बाकी के पैसे। शोरूम से गया भी तो ले सकते। हमारे बच्चे को भी गर्मी लगती है लेकिन क्या करें, हमारे वेतन में तो यही आ सकता है। ले जाऊं? अकेले? सर जी ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? अरे रुको मैं भी आता हूं। अच्छा सुनो पुलिस वाले हो फिर भी। अरे सर जी चोरी कुछ लोग करते हैं पर बदनाम पूरी बिरादरी हो जाती है। आप देखिए ना हम तो हैं आपकी सुरक्षा के लिए फिर भी आप लोग हमसे डरते हैं। अरे छोड़ो चलो। अरे आ जाओ चलो भाई। उठा उठा अरे आपका कुर्ता तो मैला हो गया जी। अरे ये मैल तो धुल जाएगा पर इनके मन का मैल तो धुल गया ना, वो ज्यादा जरूरी था।
है ना पापा? क्या ये? अगली बार किसी पुलिस वाले से मिलिएगा तो मुस्कुरा कर मिलिएगा। कल दिवाली पे आना और मुंह मीठा करके जाना। सर जी ड्यूटी पे हूँ, नहीं तो जरूर आता। ईमान का सिक्का अभी भी चलता है यहाँ, बेवजह गलतफहमी मत पालो। इस दिवाली सारे मैल धो डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश।